बाल सुधार गृह में बच्चों के भागने और लोगों को धमकियां देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक और जयपुर पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है। एक किशोर की निगरानी याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस अशोक कुमार जैन की कोर्ट ने ये आदेश दिए। दरअसल याचिकाकर्ता के खिलाफ जयपुर के हरमाड़ा थाने में दर्ज FIR के खिलाफ रिवीजन को महानगर द्वितीय क्षेत्र की अधीनस्थ अदालत ने खारिज कर दिया था। भारतीय पक्ष ने याचिकाकर्ता किशोर के लंबे समय से संप्रेषण गृह में होने के आधार पर राहत देने की मांग की। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से 8 सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है।